हम लोग अभी एक नर्सरी में एंट्री किया हूँ। यहाँ टिशू कल्चर का पौधा है, देख रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिशू कल्चर का पौधा। यहाँ लोग देखिए पॉटिंग मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, लोग देख सकते हैं। प्रणाम सर। डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस देखिए आप लोग। सब मटेरियल आपको डेजर्ट गार्डन के लिए बहुत अच्छा चीज है। ये होया है उसका फ्लावर देखिए। घर में दिखाऊंगा ना। छोटा छोटा सब वो सब सीधा करके लगाना। सर गया ना नीचे, उसको ऐसे बालू में लगा दो। अभी लगा दो। आ दीदी प्लांट कैसे जाता है करेंगे बाद में बात। अभी आदमी चुप के साथ यू का प्लांट ड्वार्फ सिंगोनियम। अब देखते हैं पेन का साथ, एक पेन के तुलना में कितना छोटा छोटा प्लांट है ये ड्वार्फ सिंगोनियम है। हाँ अब देख सकते हैं बहुत बढ़िया पीस है। देखिए होया का फ्लावर देखिए, सो ब्यूटीफुल होया फ्लावर। डिफरेंट कलर का अब कलंचो फ्लावर। अब देख रहे हैं मिस्टर ए के मनी, ये फार्म का हाई क्योर एग्रो प्लांट सीईओ। वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेटिव फ्रूट्स दिखा रहे हैं। ये कौन सा फ्रूट्स है? ये पीनट बटर है। पीनट बटर है ये जो है ना, इसका फ्रूट में बटर का टेस्ट आता है। अच्छा पीनट है और बटर का टेस्ट आया। अच्छा। ये एकदम मैच्योर कर गया है, पका हाल। ये ऑफ द सीजन फ्रूट है। ये क्या है? थाई चीकू। लंबा लंबा होता है, थोड़ा बड़ा साइज होता है। ये ऑफ सीजन है, अभी फिर से फ्लावरिंग में आ गया है। चलिए प्लांट, ये हम लोग थाईलैंड से का वैरायटी मंगाए थे ऑरेंज का। काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग भी बहुत अच्छा है, मीठा भी है, उतना ही जूसी है। लास्ट ईयर बहुत अच्छा फला था, इस साल थोड़ा सा सीजन लेट चल रहा है ये। तो ये क्या मैंडरिन ग्रुप का है? नहीं मैंडरिन अलग हो गया वो, दैट इज क्या बोलते किन्नू।
अच्छा, ये क्या लूज स्किन, स्किन टाइट है क्या? लूज स्किन, लूज स्किन होगा, लूज स्किन होगा। अच्छा, ये लूज स्किन होगा, काफी ढीला होगा। और ये तो इसे पता नहीं, पता नहीं इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा वही इसको मिल नहीं रहा। आप दीजिए समझा, लिख ले। ये नींबू का अभी लेटेस्ट वैरायटी है, सीडलेस नींबू बोलते हैं, और ये कल्चर वैरायटी है। ये सबसे कम एज में फ्रूटिंग देता है। अगर आप पौधा लगाते हैं तो एक साल के अंदर पहला फ्रूटिंग शुरू हो जाएगा, और फर्स्ट ईयर ही समझिए आपको 500 फल आसपास आ जाएगा। इवन आपको पॉट में भी लगाना है तो पॉट में के लिए भी बहुत आइडियल है। पॉट में भी आप 100-150 फल तक आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा ये तीसरे साल से आपको 3000 फल देगा। तो कमर्शियल रूप में ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। मार्केट अभी उतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है, धीरे धीरे मार्केट पकड़ रहा है इसका। ये है स्ट्रॉबेरी ग्वाभा। ये एक प्लांट हमको लगता है कि 10,000 फ्रूट से कम नहीं होता है एक बार में। साइज़ जब ये पकता है तब स्ट्रॉबेरी कलर का हो जाता है, और खाने में भी लगेगा कि स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। तो है तो ग्वाभा, लेकिन स्ट्रॉबेरी टेस्ट है, स्ट्रॉबेरी कलर भी आएगा। अभी ग्रीन है क्योंकि पका नहीं है, साइज़ भी छोटा है। ये धीरे धीरे साइज़ भी अच्छा डेवलप हो जाता है, एकदम स्ट्रॉबेरी के साइज़ का हो जाएगा। बहुत अच्छा फ्रूटिंग है। और दे देंगे सर आप, कीजिए आपको देखिए ना दाम का। ये सब मेरा प्रश्न।